गुड जी आफ्टरनून, माय नेम इज अरविंद फ्रॉम अरविंद मेरा साथी। बताइए जी, क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी? सर, किसी के साथ मैं 3 साल से रिलेशनशिप में थी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बता सकते हैं कि आप कौन से शहर से बोल रहे हैं और क्या आपका नाम है? मैं झारखंड से बोल रही हूँ, मेरा नाम अंजलि है। ओके, हाय अंजलि, प्लीज बताइए अभी आप क्या विषय पर मुझसे बात करना चाहते हैं? मैं किन्हीं के साथ ना, मीन्स हम लोग रिलेशन में है, बट वो अलग जगह रहते हैं और हम अलग जगह रहते हैं, ठीक है। तो मीन्स 3 साल से वो रिलेशन में है और अभी भी थोड़ा मोड़ा अभी अनबन चल रहा है, बट हम मतलब जो हम लोग उनसे मेरा उनसे ना ऑनलाइन ये हुआ था, बातचीत हुई थी फ्रेंड बने से, उसके बाद हम लोग ये में आए। उसके बाद फिर हम अपने घर पे उनके बारे में बोले तो मेरे घर वाले उनके लिए रेडी नहीं हुआ, तो उनको जो मैं बताई तो वो बोले कि नहीं तुम्हें तो मुझसे ही शादी करनी होगी ऐसे वैसे। तो हम बोले कि मैं अपने पेरेंट्स की शादी नहीं कर सकती किसी और से, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं होंगे तो मैं नहीं कर सकती। तो तुम एग्री नहीं होगी तो फिर हम तुमको बदनाम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मीन्स वो कुछ गलत भी था रखा हुआ फिर रिकॉर्डिंग वगैरह। तो मैं उस टाइम बहुत ज्यादा डर भी गई, बट फिर एक बार मेरी मीटिंग हुई तो मैंने उसके फोन से सारा कुछ हटा दिया, बट मुझे अब डाउट है हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता, उसके पास पता नहीं। बट हाँ, रोज कॉल मैसेज आती रहती है कि नहीं देखो गलती हो गया, एक बार माफ कर दो। बट मेरा मन कहता है ना कि अब जो इंसान एक बार ऐसा गलती कर सकता है तो वो तो बार बार कर सकता है ना। तो मैं यहाँ पे समझ नहीं पा रही, बट हाँ ये रीजन है कि वो सच में बहुत ज्यादा मतलब कि हमको मानते भी है, प्यार भी करते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत भी करते हैं, बट ये सब के बाद ना कहीं मेरा ट्रस्ट उनके ये से ना 2-4% घट चुका है। 2-4% नहीं, मेरे हिसाब से तो 100% घट जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका व्यू क्या है, लेकिन अगर कुछ ऐसा कोई इंसान सोच सकता है यानी कि उसके मन में है तो वो सोच रहा है, राइट? उसके मन में है तो सोच रहा है, तो इफ इन केस अभी शादी नहीं हुई है, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, होता क्या है कि स्टार्टिंग में बोलते हैं कि नहीं यार तुम्हें ये काम करना है, अच्छा चलो कर लिया, तुम्हें ये भी करना है, अच्छा चलो मैंने ये भी कर लिया, अब तुम्हें ये भी करना है, अच्छा चलो कर लिया, अब तुम्हें ये तो करना ही करना है, तो वो कहीं ना कहीं फिर आपका जो प्यार है, एक्चुअली प्यार आजकल क्या पता है क्या हो रहा है, प्यार नहीं हो रहा है, वो प्यार ये नहीं होता है कि बस हम लोग पास में हैं, फिजिकल रिलेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार कहीं दूर भी है ना, कोई बॉम्बे में रह रहा है, कोई अमेरिका में रह रहा है, दैट इज़ कॉल्ड लव, कि वो दूर रहने के बावजूद भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं और वो एक्चुअली एक दूसरे के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। इंटेंशनली होना चाहिए दूसरे को फायदा करना, यानी कि इंटेंशनली ये नहीं होना चाहिए कि मेरा फायदा हो उसका, चाहे दूसरे का नुकसान हो जाए, दूसरे की चाहे जिंदगी खराब हो जाए, दूसरे का चाहे पेरेंट्स नाराज हो जाए। तो यही चीज देखिए, मीन्स हुआ था तो उस टाइम मतलब मेरे घर पे सारा कुछ ओपनली हो गया था, मेरे घर पे सारा कुछ बता भी दी कि ऐसा हुआ है, कुछ कुछ गलत है रखा हुआ वगैरह वगैरह। तो अब तो कन्फर्म है कि मेरे पापा नहीं ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि अब मानना भी नहीं चाहिए। अगर कोई पापा उनकी बेटी का कुछ हो तो उस लड़के से कोई भी नहीं चाहेगा, तो ये चीज उसको बोलते नहीं तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, देख लेना ये है वो है वगैरह वगैरह वगैरह, तुम यहाँ पे शादी करोगी तुम्हारे घर पर जाएंगे ऐसे है वैसे। में देखिए कुछ नहीं है कि मैं, अंजलि मुझे एक बात बताइए कि शादी तक पहुँचने के लिए जब शादी का डिसीजन हुआ या आपको लगा कि शादी तक आना चाहिए, तो उसमें आपको तो कहीं ना कहीं मालूम होगा ना कि हाँ हम शादी की तरफ जा रहे हैं, हाँ। या फिर आप नहीं मालूम था आपको? नहीं शादी देखिए कि शादी की तरफ हम जा रहे हैं, देखिए एग्जैक्टली यह है कि एक बंदे से आपकी दोस्ती हुई, फ्रेंडशिप हुई, दोस्ती के बाद में बातचीत शुरू हुई, बातचीत होने के बाद में अब उसके बाद में क्या हुआ, क्या वो बातचीत तक ही रह पाया या फिर आपको लगा कि हाँ यार ठीक है हम लोग हम फ्रेंडशिप को कुछ आगे बढ़ा लेते हैं, बढ़ाने के बाद में चलो जो कुछ होगा मैं अपने पेरेंट्स को तैयार कर लूंगी, आप अपने पेरेंट्स को तैयार कर लोगे, मुझे मालूम है तैयार हो जाएंगे, और समहाउ वो पेरेंट्स तैयार नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स को उस मैटर में इन्वॉल्व नहीं किया होगा, इसीलिए
नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व की, मेरे मतलब वो मेरे ही कास्ट के, सेम कास्ट के हैं, ठीक है ना, अदर कास्ट नहीं है, सेम कास्ट के, बट मेरे पापा उनके बारे में बता किए ना, तो मेरे पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फैमिली सही नहीं है, मीन्स बैकग्राउंड वगैरह होता है ना कुछ कुछ, तो सही नहीं है, ठीक है. तो मैं उससे बोली कि पापा हम, मैं उससे ये नहीं बोली कि तुम्हारा बैकग्राउंड सही नहीं है, ये है, ये सब नहीं बोली. मैं बोली थी ना कि ना तुम्हारा मतलब कि मेरे पापा मान नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं, क्योंकि मतलब कि हमको हमको नहीं पसंद है ये वो, मतलब बोल रहे हैं सुने, तो तुम जब सेम कास्ट है तो तुम क्यों नहीं करोगी, नहीं की तो फिर देख लेना. और मेन बात है कि वो अर्न सही से नहीं करता, मीन्स मेरा फैमिली का स्टेटस थोड़ा ऊपर उसका लो है, मेरे को वो मैटर नहीं करता कि उनकी पैसे हर जगह मैटर नहीं करती है. बट हाँ सबसे बड़ी चीज है कि इज्जत, इज्जत ही वो अगर मेरे को नहीं दे रहा है, वो आज जब वो ऐसे बोल दिया, वो मेरे को धमकी दे दिया, तो हम ये मेरा मन बोलता है ना कि वो आज अगर दिया तो फिर तो अगला बार देगा ही ना सर. तो ये सब चीज़ें तो आपको मालूम होंगी ना ऑलरेडी कि हाँ यार ठीक है मेरा स्टेटस ऑलरेडी उससे ऊपर है, या मेरी फैमिली वहाँ पे उसको अलाउड करेगी कि नहीं करेगी, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा कि नहीं आएगा. इस मैटर पे मेरे को लगा था, इस मैटर पे मेरे को लगा था ना कि मेरी फैमिली वाले एग्री करेंगे, ठीक है, बट मेरे पापा शायद उनकी फैमिली के बारे में पता है कि हम तो उस लड़की को मानते थे ना, बट फैमिली बैकग्राउंड वगैरह पता करना पापा का काम है, तो पापा पता किए, तो पापा बोले कि नहीं वो लड़का सही नहीं है तुम्हारे लायक है, क्योंकि उसका फैमिली सही नहीं है, और तुमको करना है तो फिर करो, लेकिन फिर तुमको हम लोग से अलग होना होता. हम बोले कि हम तो फैमिली यहां से अलग नहीं, यहाँ पर एक बात ये भी तो है ना कि फैमिली शादी कौन सा अपने फैमिली के साथ करनी है, शादी तो आपको पार्टनर के साथ करनी है ना. हाँ अल्टीमेटली किसी के पेरेंट्स के क्या है कि अल्टीमेटली फैमिली का बैकग्राउंड, चलो ठीक है मैंने मान लिया किसी का कुछ गलत भी है, कोई किसी के पिताजी हैं पापा हैं वो रिक्शा चलाते हैं, क्या उनका बेटा आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता. एकदम देखिए वही तो बात है ना कि मैं इनकम, मैं मनी के पीछे नहीं जा रही, मैं बात कर रही हूँ ना कि मैं एक पल के लिए उस बंदे से भी ये हो जाऊं, बट वो जो वो चीज किया है तो क्या उसके बाद मेरे को जाना चाहिए उसके पास, यानी मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ. सर देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है कि उसका माइंडसेट तो आपके सामने आ रहा है कि वो क्या चाहता है, ठीक है. अब आपको डिसीजन ये लेना चाहिए कि सबसे मेन चीज डिसीजन क्या है कि आपका और उस लड़के का है. अगर एक्चुअली चलो ठीक है कि आपको लगता है कि ठीक है एक पागलपन में आपको पाने के चक्कर में उसने ऐसा किया होगा कि चलो ठीक है वो हो जाए तैयार, पाने के चक्कर में उसने ऐसा बोला, मैं मान लेता हूँ कि चलो उसके एंड से मान लेता हूँ उसकी गलती भी है, तो गलती अगर उसकी है भी तो फिर उसको फिर बोलना चाहिए आपको कि यार देखो ठीक है मैं चलो मान लेती हूँ कि गलती है, पर जो आपके आपको तो कम से कम एक बार मेरे पेरेंट्स के सामने आना ही होगा आपको. तो अपने वो नहीं नहीं वो इस मैटर पे रेडी है सर, झूठ नहीं बोलूंगी, वो इस मैटर पे रेडी है कि वो आने के लिए तैयार है, वो सब कुछ के लिए तैयार है, बट मेरा माइंड में जो बात चल रहा है ना सिर्फ एक ही तो बात चल रहा है कि वो जो मेरा जो भी रखा था रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो उस मैटर पे मेरा ज्यादा बार बार ध्यान जा रहा है कि वो अगर बात सुनो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चाहे हो या ना हो, साफ सुथरी हो या बिल्कुल गलत हो, मैं आपको बिल्कुल ओपन करके बोल रहा हूँ, इसीलिए कैसा भी हो अगर उसके बेसिस पे आप कोई अपना डिसीजन बना रहे हैं कि नहीं यार मुझे उसके साथ जाना चाहिए, तो 0.1% भी फिर आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है. हाँ अगर वो उसकी मिस्टेक है, अगर वो प्रूफ करे कि हाँ भाई उसकी मिस्टेक है और आपके पेरेंट्स को अल्लाह कंफर्म करे कि हाँ भाई ठीक है कि एक्चुअली उसके भी पेरेंट्स हों या फिर आपके भी पेरेंट्स हो, दोनों के पेरेंट्स पता है बस यही चाहते हैं कि एंड ऑफ द डे आप दोनों खुश रहें, वो आपकी शादी से प्रॉब्लम नहीं है, उनको उस लड़के से प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उसकी फैमिली को आपसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है बस ये है कि कल को शादी होगी कि शादी होने के बाद में मेरी बेटी खुश रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या ये बार बार मुझे फ़ोन करके परेशान करेगी कि नहीं पापा मेरे से गलती हो गया ये हो गया. तो क्योंकि लाइफ का डिसीजन एक ऐसा डिसीजन होता है, वन ऑफ द बड़ा डिसीजन होता है ये, ठीक है. तो इसमें इंसान पूरा जांच पड़ताल ये करता है कि नहीं यार चलो अच्छा हो जाए, फिर भी आपको मालूम है कि जितना हम अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं उतना ही गलत हमारे साथ होता है.
ऑल राइट, वही मैं कह रहा था। यहाँ पर आपको बस मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो जिनसे आप शादी करने का प्लान है या फिर वो हैं, आप दोनों को ही सोचकर प्लान ये करना होगा कि किस तरह से आपको ये प्लान करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप दोनों ही एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, यानी कि अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, तो कोई फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। और उस बेसिस पे आपको डिसीजन बिल्कुल भी ये नहीं लेना चाहिए कि वो जो रिकॉर्डिंग्स बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग्स है या नहीं है, तो क्योंकि वो तो फिर अगर ऐसा माइंडसेट लेकर आप सोचेंगे तो फिर वो इन फ्यूचर भी आपको उस बेसिस पर दिक्कत रहेगी। रही नहीं 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 नहीं, मैं उस माइंड सेट पे नहीं जा रही। मैं जा रही हूँ ना कि अगर वो एक बार अगर ऐसा गलती किया है तो वो क्या मेरा फ्यूचर के लिए सही है? गलती किया है का मतलब क्या है कि मैं यही तो आपको बोल रहा हूँ ना कि क्या वो प्रूफ कर सकता है कि हाँ ठीक है मैंने इस वजह से मैंने ऐसा किया या मैंने ऐसा किया। मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि जब उससे पूछी ना, मैं ऐसा... जब उससे पूछी कि आप ऐसा क्यों किए, तो वो बोला मेरे को ना कि देखो मैं सब कुछ खो सकता हूँ, एक पल के लिए मैं सब कुछ खो सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। और ये सब चीज हम मुझे खुद नहीं पसंद है, बट मैं तुम्हें खोने के डर से ये सब चीज को रखा था कि तुम मुझे छोड़ करके नहीं सो। नहीं, पर वो तरीका तो गलत है ना। हाँ, वो तरीका गलत है, यही चीज मैं उसे बोली कि ये तरीका गलत है कि आप किसी भी लड़की के तो उस टाइम पर ही आपको एक्चुअली मेरे हिसाब से आपको उस टाइम पर ही उसको बोलना चाहिए था कि ठीक है भाई अब आपको जो करना है वो कर लो, क्योंकि अगर आपको करना ही है, क्योंकि इंटेंशनली उसका यह था कि आपके मन में डर पैदा करना, और जो कि डर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो डर मेरे मन में आया नहीं है, बट सच बोलूं तो उसके लिए मेरे अंदर का फीलिंग भी खत्म नहीं हुआ। सॉरी, क्या बोला आपने? मैं बोली ना कि उसके वो जो बोला ना उस मैटर पे मेरे मन में डर नहीं आया, बट सच बोलूं तो उसके लिए जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग भी हटी नहीं है। मैं सच में रियल में उसे बहुत लव करती हूँ, ऐसा नहीं नहीं करती, बट ये सब चीज को सोच के मुझे बहुत डर लगता है कि क्योंकि लाइफ तो एक साल दो साल का नहीं है ना, हमें लाइफ टाइम तक बिताना है। देखिए, मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि जो आपके मन का कन्फ्यूज़न है ना, आप ही क्या है कि जब इंसान फ्रेंडशिप करता है, दोस्ती करता है या आपस में क्लोज चला जाता है, तो उस टाइम पर उसे सब कुछ अच्छा लगता है, उस टाइम पर ही अच्छा लगता है। लेकिन बाद में अभी क्या है कि अभी आपको लग रहा है, तो अभी तो आपकी आँख खुली ना, अभी तो आपकी आँख खुली, अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं यार कभी ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। ये बात आपको खुद ये डिसाइड करनी होगी कि हाँ यार वो अगर उसने किया है तो गलती उसकी है कि नहीं है, उसने एक्चुअली ऐसा किया है नहीं है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि मन में कभी गलत विचार आता ही नहीं है, ये बात भी सोचना गलत है, ये बात भी कहना गलत होगा कि यार उससे गलती नहीं हो सकती। हो सकता है कि मन में गलत विचार तो किसी के भी आ सकता है ना, अभी लाखों लोग सुसाइड कर लेते हैं तो मन में विचार ही तो आता है, वो बस एक। हाँ, अब लाखों लोग सुसाइड कर लेते हैं, चले गए, वो मन में विचार ही तो आया। अगर मन में विचार ना आए तो ना हो, तो वो विचार आया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा हो भी। काफी लोग सोचते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि यार सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी जिंदगी को खत्म हो गई, पता चलता है मैं अपने आप को खत्म कर लूँ, आज के बाद जीना बेकार है। लेकिन वो बोलते हैं उस टाइम के बाद में कुछ दिन निकल जाते हैं, अरे यार नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो बड़ा खतरनाक काम है, ये तो डर लग रहा है। तो एक्चुअली उस टाइम पर उसको आपको प्रूफ करना चाहिए था कि उसको जांचना चाहिए था कि वो सच में ऐसा कर रहा है या आपको सिर्फ डरा रहा है। क्योंकि आप डर गए, आप डर गए तो आप डरे। वो चीज मैं की थी, वो चीज मैं की थी कि मैं बोलती ना जाओ, तुम्हें जिसे जो बोलना है दे दो और जिसे जो करना है कर लो, जो होगा मैं देख लूंगी। तभी वो मेरे पापा को बस मतलब कि कॉल किया था, कि कॉल नहीं, आई थिंक मैसेज किया था कि ना मैं आपकी बेटी से बहुत लव करता हूँ, ये सब वगैरह वगैरह। मेरे पापा जी उसे बहुत सुना दिए थे कि तो तुम्हें कॉल करने का हिम्मत कैसे हुआ मेरे पास, तो कॉल नहीं करना चाहिए था मेरे को वगैरह वगैरह। लेकिन वो फिर बोला कि अंकल जी पापा जी करके। बट हाँ, ये बोल सकती हूँ कि वो मेरे को अभी तक हार्म नहीं पहुँचाया, जो भी बोला है मेरे फैमिली के अंडर तक मैं आके बोला है और उन्हीं को बोला है। लेकिन एक चीज ये भी है उसका, ये है ना कि वो मीन्स जब उससे मेरी अच्छी से बात होती है ना, तो वो बहुत अच्छे से बात करता है, और जहाँ कुछ वैसी बात हो जाती है ना कि मीन्स जहाँ ऐसी बात होती है कि जैसे कि बात बात में मैं बोल देती हूँ कि पापा जी मानेंगे तो कुछ हो सकता है, ये बात तो माइंड में रख लो, या फिर
तो बोलती हूँ ना जैसे कि ना रुको, ऐसा है मीन्स मेरी भी जॉब लगने वाली ही है, अब एक साल में लग जाएगी, तो मैं ये भी बोलती हूँ कि एक साल रुक जाओ, मेरा जॉब लग जाएगा, और जॉब लगेगा उसके बाद आई थिंक पापा भी ना नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरा मैं खुद अपने अपने ये पे रहूंगी। तो उस टाइम वो क्या, उस टाइम फिर वो थोड़ा सा मीन्स वर्ड यूज करने लगता है थोड़ा सा। अंजलि मेरी बात सुनो, देखो सुनो, आपके पास ना बोलने के लिए बहुत सारी स्टोरी है, ठीक है? तो मैं इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे दिन तो सबको अच्छे लगते हैं ना, शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, है ना, कुछ भी गलत ना सुने, अरे यार कहीं से कोई गलत खबर ना आ जाए सुनने के लिए, कोई गलत ना हो जाए। तो ये जो सिचुएशंस है ना, उस सिचुएशंस को ही हैंडल करना। अगर वो सिचुएशन को लड़का हैंडल ही नहीं कर पा रहा है, वो 5,000 कमाए, 50,000 कमाए या 5,00,000 कमाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवान ने उसको कितनी कैसी बुद्धि दी है और उस बुद्धि से वो कैसे सही डिसीजन ले पाता है उस सिचुएशन को देखते हुए कि अभी मेरी टाइम क्या है, इस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपके पापा ने मना कर दिया कि चलो ठीक है, पॉसिबिलिटीज है, अगर 1% भी है तो नहीं भी हो सकती है ना, तो इसका मतलब कि ये है कि वो सब कुछ ख़त्म कर देगा सबको, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि ये है कि अगर उसको मेंटली आप भी स्ट्रांग रहें और उसको भी रखें कि हाँ भाई देखो सही ये है और गलत ये है, ठीक है, अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, जो भी होगा एक्सेप्टेबल होगा, दैट्स इट। और उसके बाद में जो भी आपको करना है वो आप कर लो, समझने की कोशिश करें। अगला क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, अगर किसी इंसान ने आपको परेशान करना है ना, किसी ने ठाना है कि वो आपको परेशान करेगा, किसी के अंदर एक पागलपन है, मतलब होते हैं बहुत सारे ऐसे लोग, तो वो आपको शादी होने के बाद भी करेगा, राइट और रॉन्ग, कर सकता है ना, राइट। तो एक्चुअली बात यह है कि उसकी स्किल्स को, उसके माइंड थॉट को समझो कि भाई देखो बात ये है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, पापा ने ऐसा किया तो ऐसा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, और एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, वो मेरा डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है, वो मेरा डिसीजन नहीं है, वो मेरी फैमिली का डिसीजन है और अपनी फैमिली के साथ ही मिलकर मैं चल रही हूँ। हाँ, एक यहाँ पर गलती आप में से, दोनों में से किसी की या दोनों की हो सकती है कि आप दोनों ने फैमिली को आपस में कैसे इन्वॉल्व करके स्टार्टिंग से रखा था। अगर स्टार्टिंग से आप लोगों की फैमिली ठीक से इन्वॉल्व नहीं थी तो फिर वो मायने होता है, क्योंकि 99 जो परसेंटेज जो प्रॉब्लम चल रही होती है वो यही होती हैं कि फैमिली को इन्वॉल्व करते नहीं है, आगे खुद गाड़ी बहुत लंबी ले जाते हैं खींच के, और जब ले जाते हैं तो फिर बाद में फैमिली को पता चलता है तो फिर बहुत सारे इशूज़ होते हैं। ऑलराइट, ठीक है जी, आशा करता हूँ आपको थोड़ा आंसर मिल पाया होगा। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपके उससे, और जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया उसको 100% करना ही है, मेन चीज़ बात ये है कि उसके माइंड को, थॉट को देखो, सही इंसान सही डिसीजन मेकर कौन है, सही इंसान सही डिसीजन मेकर वो है जो सिचुएशन को देखे, सिचुएशन के समझ कर एक्ट करे कि आज क्या इम्पोर्टेंट है, उसके लिए इम्पोर्टेंट आप ही नहीं है या आपके लिए इम्पोर्टेंट वही नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। जब शादी हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि पैसा भी कितना इम्पोर्टेंट है, हेल्थ भी कितना इम्पोर्टेंट है, बच्चे भी कितना इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन भी कितना इम्पोर्टेंट है, सब कुछ, आपकी फैमिली भी कितना इम्पोर्टेंट है। अभी आपको वो इम्पोर्टेंट लग रहा है और उसको आप इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ हैं जो कि होनी बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, चलिए जी, ठीक है अंजलि, थैंक्स फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट, छोटी सी प्रॉब्लम है, ख़त्म हो जाएगी। Okay.